गूफी कैसे खड़ा हुआ है। ठीक है कि आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा। आज के बाद कभी कुछ बनाने के लिए नहीं बोलना मैं। क्या हुआ? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि सब बढ़िया ही होंगे। बढ़िया ही होने चाहिए भाई। आज का ये सीन है कि भाई सांची ने मेरे को कॉल किया, उसने बोला भाई गूफी को इंजेक्शन लगवाने जाना है, क्योंकि भाई पिछली बार आपको पता ही होगा हम पिछली बार इंजेक्शन लगवाने गए थे, बट गूफी को दो तीन मेडिसिन बोली थी खाने के लिए, तो उसके बाद उसको इंजेक्शन लगने थे और आज उसको इंजेक्शन लगाने के लिए लेके जाने वाले हैं, क्योंकि भाई सांची ने फोन करके बोला कि आज जाना है। एंड गाइस, आज का प्लान ये होने वाला है, उसके बाद सांची को लेके आऊंगा अपने घर पे और आज सांची को मैं कुछ बना के खिलाऊंगा, बहुत टेस्टी सी चीज, बट उस चीज में एक ट्विस्ट होने वाला है, वो आपको भी नहीं बताऊंगा कि क्या ट्विस्ट है, क्योंकि अगर पहले बता दिया तो मजा वीडियो का हो जाएगा खराब। वीडियो में बने रहो, आगे चल के देखो भाई होने क्या वाला है। अपनी माता जी को तो मैंने बता दिया कि मेरा प्लान क्या है, तो वो आपको आगे चल के दिख जाएगा कि क्या प्लान है। तो अभी बड़ा रेडी होता हूँ, सांची के पास चलते हैं। चलो आपको बता ही देता हूँ यार आपसे क्या ही छुपाना। तो गाइस देखो, सबसे पहले अभी हम जाने वाले हैं भाई गूफी को लेके इंजेक्शन लगवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं सांची को लेके आऊंगा अपने घर पे और गाइस उसको मैं खिलाने वाला हूँ स्पाइसीएस्ट नूडल खिलाने वाला हूँ उसे। भाई क्या ही मिर्ची होगी भाई उसमें, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कौन से किस वाले की मैं बात कर रहा हूँ। उसे मैंने बताया नहीं है, अभी उसे बताऊंगा। तो अभी फटाफट चलते हैं भाई सांची के पास। गाइस मैं तो आ चुका हूँ भाई सांची के घर के गेट पे। गूफी हाय गूफी, देख रहे हो गाइस कितना बड़ा हो गया ये। सेड़ा जाए, सेड़ा जाए, सेड़ा जाए। उए नमस्ते आंटी, ग्रो कर रहा है अच्छा खासा। उए तू ब्लॉग बना रही है? तो गाइस इसका भी ब्लॉग आने वाला है कल, तो देख लेना भाई, मैं तो पहले डाल दूंगा। सांची तुमने तो बताया नहीं तुम आज ब्लॉग शूट कर रही हो। तो गाइस देख रहे हो, बिना बोले भाई ऐसे तो बता देती थी, पहले तू बताती थी ठीक है कि आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। नहीं वो बढ़िया नहीं है, वो बड़े बीमार है, चल तू। तो गाइस चलते हैं फटाफट, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है। तो गाइस ये देखो गूफी कैसे खड़ा हुआ है, देख रहे हो। तो गाइस बस 5 मिनट तक हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, तो एक बार हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां पे मिलते हैं आपसे, ठीक है। हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, बट ऐसा फील आ रहा है कि जैसे ये बंद है। हाँ इसी साइड से रास्ता है, अंदर चलते हैं। इसको दवाई की स्मेल तो नहीं आ रही? लंच टाइम तो नहीं है? टाइम क्या हुआ? 4 बजे? सही बात है, 4 बजे तो लंच टाइम ही होता। यहाँ पे कोई भी नहीं है? इस तरफ आ जा, जो इधर है इधर आ जा रही है। हाँ वो थोड़े दिन पहले आए थे ना, तो इसके लिए वो दी थी मेडिसिन। हाँ परेशान हो गए कि मैं कहाँ गया हूँ। चल ले चल ले। ओ भाई जंप देखो। भाई की चाबी पकड़ गया। ये इंजेक्शन हैं शायद और मेडिसिन, पता नहीं क्या है जो भी है, ये लेके आते हैं फटाफट। सामने ही दुकान है इसकी, मेडिसिन ले ली और इंजेक्शन भी दिया है भाई। छोटा सा है यार, उसको इंजेक्शन लगेगा भाई, बहुत पेन होगी उसको, पता नहीं शायद, हो सकता है कि इसको पता ही ना चले। चलो तो गाइस अब लगने जा रहा है भाई इसको इंजेक्शन। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। लग गया वो भाई, लग गया। इसको पता ही नहीं चला, इसको असर ही नहीं हुआ भाई, पता ही नहीं चला इसको। ठीक है थैंक यू भैया, गूफी को इंजेक्शन लग गया, आपने देख लिया। और ये रहा इसका एडमिशन कार्ड। एडमिशन कार्ड। तो गाइस अब इसको लगने वाला है, कहाँ गया कहाँ गया, 11 तारीख को अगले महीने है ना। अब इसको घर पे लेके जाते हैं, बहुत गर्मी हो रखी है, और उसके बाद सांची और मैं जाएंगे मेरे घर पे। ओके क्यों 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 क्यों। तो गाइस देख रहे हो सांची भी ब्लॉक कर रही है, हम गूफी को छोड़ने वाले हैं घर पे। बाय गूफी, बाय बॉय गूफी, गूफी बॉय, जाओ अब चिल करो अंदर, ठीक है जाओ बाय। अब मैं जा रहा हूँ सांची को लेके अपने साक्षात अपने घर पे। तो गाइस अब मैं आपको सीधा अपने घर पे ही मिलता हूँ। तुम्हारा भाई आ चुका है घर पे और सांची बैठी हुई है भाई मम्मा के साथ, मम्मा के रूम में। तो गाइस अब आपको मैं दिखाता हूँ मैं कौन सी मैगी की बात कर रहा था। ये रही वो मैगी जिसकी मैं बात कर रहा था भाई, ये 2x है ठीक है, इसमें भी 3x भी है, वो तो मतलब इतनी ज्यादा स्पाइसी है ना कि मैं बता नहीं सकता। और एक ये वाली है, बट अभी मैं ये बनाने वाला हूँ, हो सकता है कि ये खाने के बाद मेरे को भी मेरी नानी याद आ जाए। वो दोनों बैठे हुए अंदर, तो भाई तुम्हारा लगा है मैगी बनाने के लिए। तो भाई सबसे पहले कढ़ाई को चढ़ाते हैं और गैस को करते हैं ऑन, ठीक है। देखते चलो भाई अब तुम्हारा भाई क्या करेगा। ये रही हमारी मैगी, इसके साथ आपको मिलती है ये भाई पता नहीं क्या चीज़ है, जो भी अभी सारा डाल देंगे। और एक ये भाई लिक्विड जैसा लग रहा है थोड़ा, मुझे नहीं पता भाई ये क्या है, क्योंकि मैं ये मैगी फर्स्ट टाइम बनाने वाला हूँ और मुझे इतना पता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो भाई ये दोनों हम फुल पैकेट डाल देंगे, ठीक है।
तो अभी फटाफट मैगी को बॉईल करते हैं और उसके बाद ये डालते हैं। तो गाइस मैगी बॉईल होने के लिए मैंने रख दी हुई है, तो भाई इससे पहले सांची आके देखे मैं क्या बना रहा हूँ। तो गाइस मैं ना मैगी वैगी सब छुपा देता हूँ, इसके मसाले भी छुपा देता हूँ। इस मैगी बॉईल हो रही है भाई, थोड़ी सी रह गई हुई है, देख सकते हो भाई आप। अरे वैसे तुम्हें पता नहीं है बट तुम्हारा भाई शेफ है यार। अभी चलते रूम में, देखते भाई सांची और मम्मा क्या गप्पे मार रहे हैं। तो गाइस ये रही मेरी मम्मा और ये रही सांची, क्या गप्पे मार रहे थे मेरे को देख के चुप क्यों हो गए? चुगली। तो गाइस एक चीज आपको बताता हूँ, सांची मम्मा के सामने इतने शांत तरीके से बैठती है बट असली में आपको पता है भाई कितनी तूफान है। तो भाई स्कैम हो चुका है गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे एसी में बैठे हुए थे और लाइट बंद हो गई। बस 5 मिनट और फिर मैगी बनने वाली, ठीक है? मैगी हमारी रेडी हो चुकी है, अब बारी आती है भाई मसाले डालने की। भाई मैंने मसाले वगैरह डाल दिए, अब इसको थोड़ा मिक्स करते हैं अच्छे से। भाई बहुत ही लाल हो गया, आपको इतनी लग नहीं रही होगी क्योंकि ना मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई हुई है ना, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा वाइट वाइट लग रहा होगा, बट भाई देख रहे हो ये बहुत लाल हो गई है। बस इसको 2 मिनट बॉईल करना है, उसके बाद हमारी मैगी रेडी है। तो गाइस मेरी हालत देख रहे हो, उफ भाई किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। पता नहीं आप सबकी मम्मा और मेरी मम्मा मतलब कैसे किचन में खाना बनाते होंगे, भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड गाइस आज का सीन मैंने ये सोचा था कि भाई मैं सांची को लेके एक राइड पर जाऊँगा, बट भाई बहुत ही गंदा मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गाइस गर्मी में आपको पता है ज़्यादा मज़ा तो आता नहीं है, तो इसलिए गाइस मैंने राइड का प्लान कर दिया कैंसिल। और ये आइडिया मेरे दिमाग में है भाई, ये बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको सांची की रिएक्शन देखना है उसकी क्या हालत होने वाली है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, शायद मुझे लगता है मेरी थोड़ी थोड़ी आवाज़ रूम में जा रही है, तो आप सीधा आपको मैगी डाल के रूम में मिलते हैं। फाइनली मैगी मैंने डाल दिया भाई, फोक चम्मच मेरे को मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ रखे हैं मम्मा ने, तो मैंने भाई ये वाला स्पून लिया, बट खा लेंगे इसे कोई बात नहीं। चेक करो गाइस इतनी लाल क्यों है? क्योंकि इसका जो मसाला है वो लाल ही होता है भाई। सूंघ क्या रही हो, क्या सूंघ रही हो तुम? गाइस मम्मी ने तो कोरे शब्दों में मना कर दिया कि मम्मा ये मैगी नहीं खाएंगे, बट फिर भी हम मम्मी को ये मैगी थोड़ी सी तो टेस्ट करवाएंगे। वह सबसे पहले करेगी भाई सांची टेस्ट। क्या हुआ मिर्ची लग रही हो आंखों में, पानी आंखों में पानी आ गया तेरे, इसे मिर्ची तो डाली नहीं है मैंने। अबे मिर्ची तो मैंने डाली नहीं, तेरे को मिर्ची कैसे लग रही है? आंखों में पानी आ चुका है गाइस, देख रहे हो, ये ना बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है, ठीक है? ये बाद में बताऊंगा ये कौन सी है। अब मम्मी की बारी, मम्मा अब आप टेस्ट करो, इतनी मिर्ची नहीं है, आप खा लोगे आराम से। मम्मी को हंसी आती है गाइस कैमरे में देख के। मिर्ची है, सही बताना मम्मा, मिर्ची है बहुत ज्यादा है, कैसी लगी? खाएंगे, खा लेगी ना, चल देखते हैं गाइस। अब है मेरी बारी, अब तुम्हारे भाई की बारी है, अब तुम्हारा भाई खा के देखेगा भाई कितनी मिर्ची है यार। मिर्ची से डरते हो तुम लोग? खा के तो देखो पता चलेगा, एक ये टूटी नहीं है, इतनी लंबी लंबी है। तो गाइस ये चेक करो, कुछ हुआ? पानी देना। ओए ये क्या है, बस कैमरा गाइस मैंने गिव अप कर दिया, पिछले 15 मिनट से मैं सिर्फ पानी पिए जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्पाइसी है, लेकिन फिर भाई हम दोनों मतलब हम तीनों ये मैगी खा ही लेंगे, ठीक है? तो गाइस खाते हैं मैगी जैसे जैसे करके खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ओके? आज मैंने एक चीज डिसाइड कर लिया कि अगर मैं सांची के लिए कोई भी ऐसा वैसा प्रयास करता हूँ मतलब खाने के रिलेटेड, या उसे कोई स्पाइसी खिलाता हूँ मतलब कुछ भी है, तो गाइस बना तो सकता हूँ मैं, बना के इसे खिला दूंगा, लेकिन एक चीज मैंने याद रखनी हमेशा कि कभी खुद नहीं खाऊंगा। तो सांची कैसी लगी तुम्हें, टेस्टी थी? आज के बाद कभी कुछ बनाने के लिए नहीं बोलने वाली मैं। मेरे और सांची ने एक चीज और डिसाइड किया गाइस, जो मैंने सोचा था वो तो हो नहीं पाया क्योंकि मैंने सोचा था राइड पे जाने के लिए और ही कुछ प्लान किया हुआ था। तो गाइस कोई बात नहीं, नेक्स्ट व्लॉग जरूर देख लेना भाई याद से, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग पे हम जाने वाले हैं राइड पे, ठीक है? तो गाइस आज का व्लॉग यही पे एंड करते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो भाई प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।